दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फीस क्या चाहिए भैया, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एनसीसी के सर्टिफिकेट अगर मेरे पास है तो मुझे कितना तक बेनिफिट मिलेगा, सेंटर क्या रहने वाला है भैया, मुझे अगर मैं फॉर्म फिलअप करता हूं तो मुझे दिल्ली के बाहर जाकर एग्जाम देना पड़ेगा या दिल्ली में आकर एग्जाम देना पड़ेगा, क्या है सब कुछ मैं बताऊंगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रीवियस कटअप क्या था, एग्जाम का डेट क्या रहने वाला है, बहुत शॉर्ट में आपको यह वीडियो में पूरा बता दूंगा ताकि जितना बड़ा नोटिफिकेशन है ना आपको 10 मिनट के अंदर सब जानकारी दे दूंगा, फिजिकल नोटिफिकेशन जो भी। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स कर देना कि भैया मेरा ये डाउट रह गया पूरा वीडियो देखने के बाद भी, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं आप सभी का, उसके पहले बोलूंगा, पूरा जानकारी दूंगा, आपका 5846 पोस्ट है एक एक चीज। इसके पहले बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक जानकारी आप सभी को मिल पाए। और कल मैं आप सभी को एक स्ट्रैटेजी वीडियो दूंगा कि तैयारी कैसे की जाए दिल्ली पुलिस एग्जाम का ताकि रिजल्ट निकल पाए इसी चैनल के ऊपर, आपका सक्सेस की 98 के ऊपर। तो पहले अगर बात करूं मैं आप सभी का कि देखो सबसे पहले आपको देखना है यानी 27 नवंबर से आपका 14 दिसंबर तक आपका एग्जाम जो है वो चलेगा, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। और आप जो ये फॉर्म है ना आप ssc.nic.in पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले ही बस फॉर्म फिलअप करेंगे, आप किसी भी राज्य में आप ये फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर मैं बात करूं आप सभी को कि जो टोटल वैकेंसी है, जो टोटल सीट है वो कितना है, तो एक बार इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो कांस्टेबल जो मेल है ना, जो पुरुष है, उनको जनरल में कितना सीट है, 1681। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 343, ओबीसी के लिए 662 सीट है, एससी के लिए 590, एसटी के लिए 157, और टोटल बन जाता है आपका 3433 मेल के लिए। उसी के बाद आपको एक्स सर्विसमैन दिया गया है आपका, ठीक है, एक्स सर्विसमैन। अब बात करते हैं यहां पर फीमेल को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो महिलाओं का अगर देखोगे आप तो जनरल के लिए 1933 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 202, ओबीसी के लिए 387, 328 आपका एससी के लिए, एसटी के लिए आपका 94, और टोटल बन जाता है महिलाओं के लिए टोटल सीट 1944 का। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। अगला चीज हमारे पास है उम्र, एज क्या चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो इसको एक बार अच्छे से समझ ले ताकि आपका क्वेश्चन ना रहे फिर दिमाग में। अगर आपका उम्र 18 से 25 के बीच में तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18 से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए और 25 से एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लेना और 1/7/2020 तक देख लेना आपका जो उम्र है वो 18 से 25 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप ये फॉर्म बिना किसी डाउट के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट दिया जाएगा, यानी आप 30 साल तक भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ओबीसी के लिए 3 साल का। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसको एक बार ठीक से आप सभी समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप क्लास 10+2 हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक चीज और मेंशन किया गया है कि अगर आप 11 क्लास पास भी है ना फिर भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप क्लास 12 पास नहीं है, अगर आप 11 पास हैं तब भी ये फॉर्म फिलअप आप सभी कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात ना। अगर मैं देखूं यहां पर एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है, तो जो फीस लगेगा ना इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए वो ₹100 लगेगा। लेकिन एक बात और सुनना, अगर आप महिला हैं, एसटी एससी कैंडिडेट्स हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में फॉर्म ये फिलअप कर सकते हैं, ठीक। तीसरा चीज, जो प्रीवियस कटअप गया था वो कितना गया था, तो ये भी एक बार आप सभी देख लो कि जनरल का मेल के लिए कटअप गया था आपका 77, ओबीसी का 76 और एससी कैंडिडेट का 70 और एसटी के लिए 74। अगर मैं बात करूं यहां पर फीमेल को लेकर महिलाओं को लेकर, तो जनरल गया था आपका 66, ओबीसी का 62, एससी का 56 और एसटी का 61। अब इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है
तो आपको इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा। कहने का मतलब है आपका जो भी नंबर आएगा ना उसमें 5% का मैक्सिमम मार्क्स का आपको दिया जाएगा, 5%। अगर आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो, अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3%। लेकिन एक क्राइटेरिया है मैं आपको बताता हूं, अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2% का जो है वो मार्क्स आपके बढ़ाए जाएंगे यहां पर। लेकिन अब ये तभी बढ़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल होगा, इसका पूरा जांच होगा। ऐसा नहीं है आपने डुप्लीकेट बना लिया, सब जांच करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ये मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। तो यह आप क्लियर रखना। अगला चीज अगर मैं देखूं आप सभी का, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर, जो 50 नंबर का है 50 मार्क्स कवर करिएगा। और मैं जनरल नॉलेज करेंट अफेयर का क्लास सबसे बोल सकते हो ऐसे करा रहा हूं ताकि आपको क्लास में ही सब याद हो जाएगा। इसी चैनल के ऊपर सक्सेस की 98 के ऊपर रात को 11:30 बजे करंट अफेयर का रिवीजन, और ऐसे पढ़ाता हूं ताकि आप एग्जाम घर में ना पढ़ो, घर क्लास में ही पढ़ो, याद हो जाएगा। और शाम को 4:00 बजे 5000 जीके करवा रहा हूं सोमवार से लेकर शनिवार तक। और रीजनिंग 25 नंबर का रहने वाला है, 25 मार्क्स कवर करेंगे। मैथ बहुत बेसिक रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और आपका यह भी रहने वाला है कंप्यूटर जो है आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कवर करेंगे आपके 100 मार्क्स को। और इसको करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का समय। अब अगला चीज हम लोग देख लेते हैं फिजिकल को लेकर, और क्या क्या सेंटर पर भी अभी आते हैं। अगर मैं फिजिकल को थोड़ा अच्छे से देखूं, और ये मेल का है पुरुष का है, तो यहां पर देख लो, अगर आपका उम्र 30 साल से कम है तो आपको 1600 मीटर का दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट में, ठीक है। 30 से 40 साल के अगर बीच उम्र है तो 7 मिनट में, 40 साल से एवब है एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए तो 8 मिनट में। अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा 14 फीट का 30 साल के नीचे, 30 से 40 13 फीट और 40 साल से ऊपर 12 फीट का। उसके बाद अगर ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो हाई जंप है, ये भी आप सभी देख लो एक बार अच्छे से। अब आते हैं चेस्ट के ऊपर, 81 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए, और आप 4 सेंटीमीटर तक एक्सपेंशन यानी फुला सकते हैं, ये भी आप मार्क्स कर लेना। और जो अगर मैं बात करूं हाइट को लेकर, आपका हाइट कितना चाहिए, तो मिनिमम 170 सेंटीमीटर तो हाइट होना ही चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही साथ अगर आप पहाड़ी इलाकों से हैं ना तब भी आपको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा मेल के लिए। अब मैं यहीं पर आपको दिखा दूं फीमेल के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे अगर 30 साल के नीचे 1600 मीटर का रेस दौड़ना है 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3, इसी तरह आप यहां पर सब देख लेना। अब मैं डायरेक्ट आता हूं आपका हाइट के ऊपर, हाइट जो चाहिए ना महिलाओं के लिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। और यहां पर सेम चीज मेंशन किया गया है, अगर आप एससी एसटी और एसटी कैंडिडेट्स है तो 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, साथ ही साथ अगर आप पहाड़ी हिली रीजन से जुड़े हुए हैं तो भी आपको 2 सेंटीमीटर का जो है वो छूट दिया जाएगा। अगर मैं अब अगली यहां पर बात करूं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो यह काफी यहां पर देखो, जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे और जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटो, आपका हाल फिलहाल का 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए हाल फिलहाल का एग्जाम देने वक्त, साथ ही साथ आपका ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ भी होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन हो। तो कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स तो अपने पास रखना ही रखना जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन हो, याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाकर दिखा रहा हूं कि सेंटर क्या होगा। तो अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आ गया हूं, अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो पहला डाउट आप ये क्लियर कर लो। आप सभी बोलते हैं कि भैया अगर मैं दिल्ली से बाहर रहता हूं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तो मुझे एग्जाम दिल्ली में आकर ही देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपको एग्जाम दिल्ली में आकर देना नहीं पड़ेगा, पहला ये डाउट आप क्लियर करो।
और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी देख लीजिएगा। अगर मैं दो तीन चीज आपको समझाऊं तो जो सेंट्रल रीजियन है ना, तो बिहार उसमें क्या आता है, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका सेंटर क्या क्या हो सकता है, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। अगर इसी में थोड़ा सा नीचे जाया जाए तो यहां पर आप सभी देखोगे कि क्या दिया गया है, आपका ईस्टर्न रीजन, जिसमें अंडमान निकोबार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल आता है। तो यहां पर जो सेंटर रहने वाला है, पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, बेरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, राउरकेला, गैंगटॉक, कोलकाता, हुगली डिस्ट्रिक्ट और सिलीगुड़ी, ये रहने वाला है आप सभी का, ठीक है। अगर और मैं थोड़ा नीचे जाऊं, सब दिया गया है, आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट भरने वाले हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपका, तो यहां पर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन और आपका सागर, अलग अलग दिया गया है। मैं आपको डाल दूंगा नोटिफिकेशन ये वर्ड आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप सभी पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो आप सभी कमेंट कर देना कि भैया मेरे माइंड में ये डाउट रह गया है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे ना, आप समझ जाओगे कि एक भी डाउट आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक एक चीज मैंने इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करवा दिया है, ठीक है। चलो सो चैनल के ऊपर जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल स्ट्रैटेजी वीडियो में आप सभी को दे दूंगा, तैयारी रणनीति क्या होना चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ताकि एग्जाम आप बहुत एक बार में एग्जाम क्रैक कर पाए बिल्कुल अच्छा।